बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड रेन, 10th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 16, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं वो हम सारे तकरीबन क्लियर कर चुके हैं। तो एसिड रेन क्या चीज़ है? ये तो एक तो बच्चे, पोल्यूशन का लेवल जब ज्यादा होता है तो फिर एसिड रेन वजह बनती है, एसिड रेन होती है। तो वेन द रेन फॉल थ्रू अ पोल्यूटेड एयर, अभी इसको मैं समझाने के लिए आपको सारा का सारा बताऊंगा। इट कम अक्रॉस ए केमिकल। देखें पोल्यूटेड एयर में क्या है, अगर ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो या फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो, यानी ऑक्साइड ऑफ सल्फर है SO2 या SO3 जो भी है, ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर है, सल्फर की ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, या फिर नाइट्रिक, नाइट्रिक जैसे NO2 होता है, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये जब ना बच्चो इसके साथ वाटर मिले, इस पानी मिले, कौन सा रेन का पानी मिले, तो सिंपल सी बात क्या होगी कि ये H2O जो है ना, इसके साथ जब SO2 के साथ मिलता है तो ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, ठीक है, और ये HNO2 इसके साथ जब मिलेगा तो ये नाइट्रस एसिड या नाइट्रिक एसिड बनेगा। तो क्या चीज है, दीज केमिकल जो है इंटरेक्ट विद द वेपर्स, वाटर वेपर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के मौजूदगी में ये क्या करते हैं, ये इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या क्या, सल्फर डाइऑक्साइड और ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है बच्चे, और ये क्या चीज है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ठीक है, ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब ये वाटर वेपर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बादलों के साथ इंटरेक्ट करते हैं सूरज की रोशनी में, तो ये फिर नाइट्रिक एसिड बनता है या सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। दीज एसिड रिमेन एज ए वेपर एट ए हाई टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर फॉल, आपको पता ना कि टेम्परेचर फॉल होता है, ठीक है, तो वो बारिश जब बरसती है, द एसिड बिगेन टू कंडेंस इनटू लिक्विड। कंडेंसेशन क्या होती है, जिसमें वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो, लिक्विड फॉर्म एंड मिक्स विद द रेन और स्नो, यानी ये जो एसिड है रेन और स्नो के साथ ये शामिल हो जाते हैं जब पोल्यूटेड एरिया होगा, और ऑन द वे डाउन टू अर्थ, ठीक है, अब फिर जमीन के ऊपर ये बरसेंगे, ठीक है, और इसकी जो pH है वो कम होती है, 3 to 6 होती है। सम सिग्निफिकेंट या फिर करेक्टरिस्टिक ऑफ जो एसिड रेन है वो आपको बताए जाएंगे, या ड्रॉबैक डिफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, ये आपने देखने हैं, ठीक है। एक तो बच्चे आपने ये बताना है कि जो एसिड रेन है पोल्यूटेड एरिया के अंदर होती है। अब जो बारिश, सीजन की पहली बारिश होती है, चाहे सर्दियों की होती है या गर्मियों की होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार इस बारिश से बचें, क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें जो पहली दफा जो आलूदगी होती है ना बच्चे, वो बारिश के साथ शामिल होगी तो उसके अंदर एसिडिटी होगी, ठीक है, तो वो स्किन को क्या कर सकती है, खराब कर सकती है, इसलिए पहली बारिश से बच्चों को भी बचाना चाहिए और आपने खुद भी बचना है, ठीक है। जो सीजन की पहली बारिश है, अभी एक बारिश हो गई उसमें आलूदगी काफी हद तक कम हो जाती है, फिर दूसरी बारिश, फिर वो शिफा वाली बारिश, और अब बारिशें होना ही शुरू हो जाए तो फिर वो भी बाद दफा अजाब हो जाता है, सैलाब आना शुरू हो जाते हैं। तो एसिड रेन क्या है बच्चे, डिस्ट्रॉय द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को कर रहा है जो कि रिवर के अंदर और लेक्स के अंदर होते हैं, ठीक है, पीएच को लो कर रहा है, इक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पैदा कर रहा है एसिड रेन। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के उनको वॉश कर रहा है, बार्क जो है ट्रीज की, लीव्स हैं जो क्लोरोफिल है, ठीक है, लीव के पिगमेंट है इनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेटेलिक जो मेटल्स की सर्फेस है, ठीक है, उनको क्या कर रहा है, उनको खत्म कर रहा है या उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसको हम ऊपर ले कहते हैं ताकि हमारे पास सामने नजर आ जाए। मेटालिक सरफेस को क्या कर रहा है, क्रोडिड कर रहा है यानी जंग आलूद कर रहा है, फैब्रिक्स जो कपड़े हैं, पेपर है, लेदर है, जितना भी उसको, उनको क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेट कर रहा है। बिल्डिंग मटीरियल जिस तरह ये आपको आगरा के अंदर बच्चे ताजमहल नजर आएगा इंडिया के अंदर, ठीक है, तो ये जो है ना ताजमहल अगर देख रहे हैं इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर जो है ना, इसके जो मार्बल है वो, ठीक है, डोलोमाइट, मॉर्टर, स्लेट, ये क्या हो रहे हैं आस्ते आस्ते मध्यम पड़ते जा रहे हैं, ठीक है, एसिड रेन की वजह से हिस्टोरिकल जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, जिस तरह ताजमहल है, ठीक है, फेमस प्लेस है, ठीक है, एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है आस्ते आस्ते इसका रंग जो वाइटनेस थी इसकी वो आस्ते आस्ते येलोश होना शुरू हो जाती है। तो ये तो हमारे पास क्या थे, एसिड रेन के ड्रॉबैक्स और एसिड रेन की वजह क्या है, वो पोल्यूटेड एरिया या पोल्यूशन, ठीक है। बाकी इससे अगला जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह हम डिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।